ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बीते कुछ दिनों से राजनीतिक भाषणों से लेकर मीडिया में चर्चा तक एक मुद्दा है जो बार बार सामने आ रहा है, मुद्दा है देश में आरक्षण का। हाल ही में जब अमित शाह की एक मॉर्फ वीडियो वायरल हुई तो इस मुद्दे पर सियासत और भी गर्म हो गई। अब जो लोग आरक्षण के मुद्दे को ठीक ठाक तरीके से समझते हैं वो लोग तो इस मामले पर अपनी समझ बना लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता होगा। मतलब कि उनके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि ये आरक्षण का मामला क्या है, देश में आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान है और क्या कोई सरकार चाहे तो आरक्षण को खत्म कर सकती है। इन सारे सवालों का जवाब आपको स्विच एक्सप्लेन्ड की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 26 जनवरी साल 1950 को संविधान लागू होने के करीब 74 साल के बाद भी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रही हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि पीएम मोदी जैसे ही सत्ता में आए आरक्षण को खत्म कर दें। नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कहा कि देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है, यानी कांग्रेस ऐसा चाहती है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण हो। आरक्षण का ये मुद्दा सबसे पहले कर्नाटक से उठा। पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटका में सारे मुसलमानों को राज्य में ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया, जिससे बाकी धर्म के ओबीसी का हक मुसलमानों को मिल गया। इस मुद्दे पर देश में आरक्षण के मुद्दे पर नजर रखने वाली संस्था एनसीबीसी ने भी कर्नाटका सरकार को फटकार लगाई थी। अब ये मामला क्या है, इस मुद्दे पर हमने एक वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दी है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए लिंक हम उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। खैर, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में कोई सरकार आरक्षण खत्म कर सकती है और आरक्षण कैसे लागू किया गया था। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आरक्षण है क्या और ये किसे और कैसे मिलता है। देखिए, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का सीधा सा मतलब है किसी जगह को किसी खास के लिए सुरक्षित करना। किताबी भाषा में अगर बताएं तो समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक न्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह को सुरक्षित करता है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। आरक्षण का काम ये सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिल सके। संविधान के अनुसार आरक्षण लागू करने के पीछे दो मकसद हैं। पहला ये कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों या फिर सामाजिक और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरा मकसद ये भी है कि सभी नौकरियों या अपॉर्चुनिटीज में पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। अब आपका एक सवाल ये आ सकता है कि ये आरक्षण मिलता किसको है, मतलब इसे तय कौन करता है। अब ये आरक्षण किन लोगों को मिलता है इसके नियम भी हैं। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में इसके कई सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के मुताबिक किसी राज्य की राय में अगर किसी खास जाति का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। मतलब कि रिजर्वेशन यानी आरक्षण का ये जो क्राइटेरिया है ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है और राज्य सरकार इसके बारे में निर्णय ले सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पिछड़ा वर्ग आयोग से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर राज्य कोई भी निर्णय ले तो उसमें एनसीबीसी की मंजूरी जरूरी है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई है कि आरक्षण का जो कोटा है वो केंद्र और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। खैर, राज्यों की बात को साइड करते हुए अगर केंद्र के आरक्षण के कोटे की बात करें तो देश में हर समाज के पिछड़े वर्गों को बराबरी देने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और उनके लिए कोटा भी तय किया गया है। इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन कैटेगरी, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी में बांटा गया। पहले तो इसे जाति के आधार पर तय किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुए। बदलाव कैसे? ऐसे की शुरुआत तो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों को लाभ देने के लिए इस आरक्षण की गई,
लेकिन बाद में इसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के दायरे में भी लाया गया। हालांकि संविधान में आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया जाता है इसका कोई जिक्र नहीं मिलता था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन साल 2019 में किया गया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 10% का कोटा EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तय कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र द्वारा मिलने वाले आरक्षण की अगर हम बात करें तो SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% का आरक्षण दिया जाता है। अब इस प्रतिशत को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में अगर 1000 सीटें हैं तो इसमें से 150 सीटों को SC के लिए रिजर्व रखा जाएगा, 75 सीटों को ST के लिए रखा जाएगा और 270 सीटों को OBC के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इनके अलावा बचे हुए सीट में से 100 सीटों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखा जाएगा और इन्हीं रिजर्वेशन के आधार पर कुल सीट से इनके कट ऑफ भी जारी किए जाएंगे। खैर, इन सबको अगर जोड़ दें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 1000 में से करीब 595 का, मतलब 59.5% का। मतलब ये हुआ कि कुल सीटों के बाकी 40.5% कोटे को आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी वो जनरल कैटेगरी में आएंगे जो कि SC, ST और OBC के लिए भी खुले रहेंगे। आरक्षण के इस मामले पर एक चर्चित कमीशन का भी जिक्र होता है, नाम है मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन क्या है इसको भी बेहद आसान और कम शब्दों में एक बार जान लीजिए। एक भारतीय राजनीतिज्ञ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में साल 1979 में भारत में एक आयोग की स्थापना हुई, नाम दिया गया मंडल आयोग। मंडल आयोग जिसे दूसरे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है, इसे देश में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम सौंपा गया। साल 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी सिफारिशें साल 1990 में लागू की गई। सिफारिशों में क्या था? दरअसल आयोग के निष्कर्षों के अनुसार भारत की 52% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से संबंधित थी। शुरू में आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि सरकारी सेवा में आरक्षण प्रतिशत इस आंकड़े के हिसाब से ही होना चाहिए। हालांकि यह सुझाव 1963 के MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खंडन करता है, जिसने आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। उस समय अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए पहले से ही 22.5% का आरक्षण था। मंडल कमीशन एक्ट लागू होने के बाद सरकार को व्यापक रूप से विरोध का सामना करना पड़ा था। जब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया तो छात्रों ने विरोध में आत्मदाह तक कर दिया था। इसके कार्यान्वयन को आखिरकार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए 27% आरक्षण को कानूनी तौर पर वैध माना। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई। शर्त क्या? कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन की 50% की सीमा बनी रहनी चाहिए, प्रमोशन में इसे नहीं बढ़ाना चाहिए। खैर, ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल उठाते हैं अपना ये कि क्या कोई सरकार अगर चाहे तो देश में आरक्षण को खत्म कर सकती है? संविधान लागू होने के साथ ही SC ST को आरक्षण दिया गया था, मगर तब ये भी कहा गया था कि इसे 10 साल के लिए दिया जा रहा है, इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि आरक्षण से किसको कितना फायदा हुआ। जिस वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचेगा उसे फिर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सका और बाद में आने वाली सरकारें इसे संविधान संशोधन करके बढ़ाती रही। इसे खत्म करने के मुद्दे पर जानकारों का मानना है कि किसी भी सरकार के लिए आरक्षण को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। साल 1992 में आरक्षण के मुद्दे पर एक बेहद जरूरी सुनवाई हुई थी, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। इस सुनवाई में कहा गया था कि आरक्षण के प्रावधान को इतनी सख्ती से नहीं किया जाना चाहिए कि समानता की अवधारणा ही नष्ट हो जाए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरक्षण की कोई सीमा ही ना हो। ऐसे में तय किया गया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत दिया जाने वाला आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि विशेष प्रावधानों के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। ये तो हुई राज्यों की बात, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था यानी केंद्र के स्तर पर 50% से ज्यादा आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना बेहद जरूरी है। मतलब कि अगर केंद्र में आरक्षण की सीमा बढ़ानी या घटानी है तो दोनों सदनों में जितने मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 सांसदों की मंजूरी बेहद जरूरी है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल होते हैं। अब जैसी स्थिति आरक्षण को लागू करने की है, बिल्कुल यही स्थिति आरक्षण को हटाने को लेकर भी है।
मतलब कि अगर कोई सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना होगा। अब क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास अभी स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसे में संविधान संशोधन नहीं हो सकता, और अगर बीजेपी इस बार 400 पार कर भी लेती है तो उसे लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी आधे से ज्यादा सांसदों की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पिछड़ा आयोग या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो कोर्ट इन मामलों पर रोक भी लगा सकती है। तो ऐसे में ये कहना कि अगर बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 400 के आंकड़े को पार कर जाती है तो उसे आरक्षण को खत्म करने की ताकत मिल जाएगी, ये गलत होगा। खैर, ये तो हुए आरक्षण को लेकर नियमों की बात। यहाँ हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के किसी भी बयान को आंख मूंद कर सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस मुद्दे पर पहले विधिवत जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी, बस आपको सब्सक्राइब करना होगा स्विच को।